अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जो यंग उम्र के हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और यहीं से निगम पार्षद हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज जो मेडिकल कैंप लगाया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज मेरे पिताजी की 30वीं पुण्यतिथि है, स्वर्गीय लाला राम प्रकाश गुप्ता जी की, और प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में हम लोग इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप और कुछ दान पुण्य का काम करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सामाजिक आदमी थे, काफ़ी धार्मिक आदमी थे और वो खुद अपने जीवन काल में समाज के लिए बहुत कुछ करते रहे। तो मुझे लगता है उनकी स्मृति में उनको अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो समाज के लोगों का कुछ कार्य करके दे सकते हैं, इसलिए उनकी स्मृति में हमने आज हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। कैंसर पीड़ितों के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आज एक नया प्रयोग भी किया हमने, कुछ आयुर्वेदिक कैंप भी लगाया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आयुर्वेदिक पद्धति से भी जांच करके और किसी को भी फ्री परामर्श के साथ साथ फ्री मेडिकल मेडिसन्स की भी अगर आवश्यकता है तो फ्री मेडिसन्स भी हम उनको दे रहे हैं। सर, आज आपने यहाँ यमुना विहार के अंदर कैंप लगाया है, आगे योजना क्या रहेगी कि इस कैंप को आप पिताजी की स्मृति के अंदर और भी जगह लगाने की आप कोशिश करेंगे? निश्चित, हम साल में 2-3 बार तो हम अभी पीछे लगा कर ही देते हैं। अभी जैसे आज सभी तरह का कैंप लगाया, कभी कभी हम एक्सक्लूसिव भी लगाते हैं, जैसे कभी आइज़ के लिए लगा दिया, कभी हम बोन्स के लिए लगा देते हैं, तो किसी एक विषय को लेकर भी कर देते हैं जैसी आवश्यकता लोगों के माध्यम से लगती है, और अगर और ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा भी पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह के कैंप्स का आयोजन किया जाता है और आवश्यकता कहीं भी लगेगी निश्चित हम करेंगे। प्रमोद गुप्ता जी, अब देखा जाता है रोड बिल्कुल क्लीन मिलते हैं, साफ मिलते हैं, और एक प्रमोद गुप्ता का एक जो नाम था वो जो पहले ही नाम था उससे ज़्यादा अब नाम चल रहा है कि वो कार्य करने में, और निगम पार्षदों की अपेक्षा? देखिए, आपने कहा और निगम पार्षदों की अपेक्षा, मैं आपसे यही कहूँगा कि आज मैं हृदय से इस बात को कह रहा हूँ कि आज मेरी जोन में मुझे मिलाकर 34 निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी अन्य दलों को भी हैं। इस बार जो पार्षद आए हैं बड़े मन से, बड़े भाव से और बड़े जोश के साथ काम कर रहे हैं, मगर थोड़ा हमारे यहाँ समस्या संसाधनों की और बजट की कमी के कारण थोड़ा सा उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जूझ रहे हैं, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और विशेष तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, सभी पार्षद पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है, जैसा आपने कहा साफ़ सफाई कुछ पहले से ज़्यादा दिख रही है। पहले 900 से 1000 मैट्रिक टन प्रतिदिन का हम गार्बेज अपनी इस जोन से उठाते थे, अभी हमारे इस कार्यकाल के अंदर उस 900 से लेके हम 1300-1400 मैट्रिक टन तक उसको ले गए उन्हीं संसाधनों के माध्यम से, उन्हीं लोगों के माध्यम से। तो निश्चित ही हमारे निगम के कर्मचारियों की और हमारे सभी निगम पार्षदों की मेहनत है, जिसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, जैसे कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपके सामने इस समय क्या है, बाकी तो सारी समस्या सॉल्व करें, मेन जो समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कोई समझता हूँ तो वो ये है कि लोगों को एजुकेट करना जी, लोगों को ये बताया जाना, ये उनके संज्ञान में डालना बहुत ज़रूरी है कि निगम के कर्मचारी सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं सफाई के लिए और 24 घंटे लोगों के पास गंदगी करने के लिए, तो हमें अपनी गंदगी हम ना करें और कहाँ पर हमें गार्बेज डालना है और वो किस तरह से व्यवस्थित हो उसका एक हमें मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम लोगों को निरंतर समय समय पर RW के माध्यम से, लोगों के क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे, आप नॉर्थ ईस्ट की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता से एक ही अपील करूँगा, महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाया है स्वच्छ भारत। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि खुद स्वच्छ रखें, अपने परिवार को स्वच्छ रखने में मदद करें और अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने गली को, अपने देश को स्वच्छ रखें। हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और जो देश स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा उस देश को आगे बढ़ने से निश्चित ही कोई नहीं रोक सकता है।